नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग करेंगे और साथ में मोटर रन कर करके दिखाएंगे। तो उसके लिए ड्यूल स्टार्टर के लिए हमने एक कॉन्टैक्टर लिया, ओवरलोड रिले और दो पुश बटन, जिसमें से एक ओ पुश बटन यानी कि NC और एक ऑन पुश बटन होता है NO। तो ये हमने इसकी कंट्रोल वायरिंग के लिए लिया, मटेरियल लिया है। पहले हम इसकी कंट्रोल वायरिंग करेंगे, फिर उसके बाद पावर वायरिंग करके मोटर को रन कर कर दिखाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो ओवरलोड रिले का है, NC टर्मिनल को हमको जो NC टर्मिनल है इसका 95 और 96 NC है और 97 98 NO है। तो हमको इसमें एक वायर कनेक्ट करनी है जो कंट्रोल वायरिंग के लिए इनपुट पावर सप्लाई आएगी। तो ये वाली हमको 96 में कनेक्ट कर लेते हैं। ये कोई भी सर्किट है फ्रेंड्स, उसको आप कंप्लीट देखिए शुरू से आखिर तक, तभी समझ में आएगा। नहीं, अगर हम स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये जो वायर हमने, ये वाली वायर, ये इनपुट पावर के लिए कनेक्ट की है, जिसको हम MCB में कनेक्ट करेंगे। टू पोल की MCB कंट्रोल वायरिंग के लिए यूज करेंगे। फेज और न्यूट्रल, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्टैक्टर है वो 220 वोल्ट कॉइल वोल्टेज है उसकी। ये हमने इनपुट पावर सप्लाई की वायर कनेक्ट कर ली इसमें कंट्रोल के लिए। उसके बाद हम एक वायर लेंगे जो NC टर्मिनल है, उसके आउटपुट में कनेक्ट कर लेंगे। ये NC टर्मिनल के आउटपुट में इधर कनेक्ट कर लेना हमको। ये इधर कनेक्ट किया इस वायर को, इसका दूसरा एंड है वायर का, वो ऑफ पुश बटन में कनेक्ट कर देना है। ये ऑफ पुश बटन यानी कि NC में, इसका एक और दो NC है और तीन और चार NO है। तो NC में हम इसको कनेक्ट कर लेना है। ये NC टर्मिनल है तो इसको हम NC में कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमको एक छोटा लूप ले लेना है, ये छोटा ये लूप ले लिया हमने। इसको क्या करना है, हमको NC से NO में कनेक्ट कर देना है। यानी कि NC जो पुश बटन है, वो पुश बटन के दूसरे टर्मिनल में कनेक्ट करके हमको एक में तो इनपुट कनेक्ट कर दी और दूसरे में आउटपुट से हमको ये वाली वायर ऑन पुश बटन में कनेक्ट कर दी, यानी कि NO में। ये इधर NO टर्मिनल में हमने इसको कनेक्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी इतनी वायरिंग हो गई है। उसके बाद हमको वायर लेनी है जो ऑन पुश बटन का जो दूसरा टर्मिनल है, एक में तो इनपुट में हमने पावर कनेक्ट की, आउटपुट में एक वायर कनेक्ट कर लेंगे और इस वायर को हमको, ये वाली वायर है, इसको हमको जो हमारे कॉन्टैक्टर की जो कॉइल का जो अंदर 9 वोल्ट कॉइल होती है, उसमें पावर के लिए A1 एक टर्मिनल होता है। A1 टर्मिनल में हम फेज कनेक्ट करते हैं, तो ये वाली वायर हम A1 में इधर कनेक्ट कर देंगे। कभी भी कंट्रोल वायरिंग करते समय हमको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कॉन्टैक्टर की कॉइल वोल्टेज क्या है। ये देखिए, ये यहाँ कॉन्टैक्टर की कॉइल वोल्टेज लिखी हुई है 220 वोल्ट AC। दो एक 110 का भी रहता है, अलग अलग वोल्टेज पे 440 का भी रहता है, तो वो हमको एक ज़रूर देखना चाहिए उसका। अगर हम 110 वाले में 220 दे देंगे तो कॉन्टैक्टर की कॉइल ख़राब हो जाएगी, यानी कि जल जाएगी। ये हमने इतनी वायरिंग कर ली है इसकी। इसके बाद हमको
इसकी होल्डिंग वाली वायर कनेक्ट करनी है। होल्डिंग वाली वायर के लिए हमको जो NC से NO में कनेक्ट किया लूप, उसके थ्रू यहाँ कहीं से भी यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ भी कर सकते हैं। हम इस साइड यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं ये वाली वायर में, ये यहाँ, क्योंकि ऑन पुश बटन से एक बार जब NO पुश बटन होता है उसे जब तक हम पुश करके रखेंगे तभी तक पावर जाएगी। और होल्डिंग का काम क्या है, जैसे ही हम पुश करके रखेंगे तो फिर उसको स्टार्टर को जो कॉयल है उसको जो फेज मिलेगा वो होल्डिंग के थ्रू ही फेज उस तक पहुंचता है। ये निकल गई है तो इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। ये हम कनेक्ट कर ली हमने वायर, और इस वायर को हमको क्या करना है, ये वाली वायर कॉन्टैक्टर के साथ में ये ब्लॉक रहते हैं NO और NC दोनों साइड में, ये हम कौन सी भी साइड का NO ब्लॉक यूज करना है होल्डिंग के लिए। तो ऊपर का जो ब्लॉक है इसका वो ऑक्सिलरी जो ब्लॉक है वो ऊपर का NC है, नीचे का NO है, तो नीचे वाले में ये इधर हमने इसको कनेक्ट कर लेना है। एकदम ईजी है फ्रेंड्स स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करना। ये हमने होल्डिंग वाली वायर कनेक्ट कर ली है। इसके बाद हमको एक छोटा लूप और ले लेना है और उसको हमको एक कॉन्टैक्टर की जो ऑक्सिलरी है उसके आउटपुट से कनेक्ट करके A1 में कनेक्ट कर देंगे। ये जो N ब्लॉक है कॉन्टैक्टर के साथ हैं तो ये NO के इधर कनेक्ट किया, आउटपुट में वायर कनेक्ट कर देनी है ये वाली। ये इधर हमने इसको कनेक्ट किया और ये वाली वायर हमको A1 में ही कनेक्ट करनी है। ये हमारी होल्डिंग वाली वायर है, ऑन पुश बटन दबा के रखें तब तक वहाँ तक पावर मिलेगी इसको, और ऑन पुश बटन छोड़ने के बाद होल्डिंग के थ्रू इसको फेज मिलेगा, इसी के थ्रू ऑन रहता है स्टार्टर। ये हो गया हमारा इसमें होल्डिंग कनेक्ट। तो ये कंट्रोल वायरिंग इसकी फेज वाली हमने वायरिंग इसकी कर ली है। अब हम इसमें न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। न्यूट्रल जो है ये A2 है, ये कॉन्टैक्टर का जो कॉयल का दूसरा जिसमें न्यूट्रल कनेक्ट करनी है वो A2 टर्मिनल यहाँ है, तो इसमें हमने न्यूट्रल वाली वायर यहाँ कनेक्ट कर लेनी है। ये फ्रेंड्स इधर कर ली तो ये हमारी प्रॉपर इसकी कंट्रोल वायरिंग होगी। अब हम इसमें फेज को न्यूट्रल को न्यूट्रल वाले में कनेक्ट करेंगे और फेज को फेज वाले टर्मिनल में MCB के थ्रू, टू पोल की MCB हमने लगा रखी है उसको उसमें कनेक्ट कर लेते हैं और पावर ऑन कर देंगे। अभी ये ट्रिप में है तो इसको रीसेट कर देते हैं। स्टार्टर को ऑन करेंगे तो ये देखिए स्टार्टर हमारा रनिंग कर रहा है, यानी कि कंट्रोल वायरिंग इसकी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो अब हम इसकी पावर वायरिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल वायरिंग होगी, पावर वायरिंग करेंगे मोटर के साथ। चलिए फिर अब इसकी पावर वायरिंग कर लेते हैं। ये दोस्तों हमने 3 फेज के लिए ये इनपुट पावर सप्लाई के लिए ये वाली केबल ली है RYB, इसमें हम कनेक्ट करेंगे। और ये वाली जो केबल है हमारी ये मोटर की है, इनपुट जो केबल है वो इधर कनेक्ट कर देते हैं हम ये इनपुट
ये जो केबल आई है हमारी, ये MCB के थ्रू भी आई है, MCC भी लगा रखी है हमने, उसके थ्रू आई है। तो इसके हम अभी कनेक्शन कर लेते हैं। ये इनपुट केबल हमने इधर कनेक्ट कर ली है, और अब हमने ये मोटर जो इनपुट पावर सप्लाई तो स्टार्टर के अंदर कनेक्ट कर दी है। ये इनपुट केबल है इसकी, RYB तीनों फेज इधर, और ये वाली जो है ये आउटपुट है, जो ओवरलोड रिले है उसके आउटपुट में हम ये मोटर वाले तीनों RYB वाले जो वायर है ये कनेक्ट कर लेते हैं, ये इधर। ठीक है फ्रेंड्स, ये कनेक्शन हो गए हमारे। इधर हमने इनपुट पावर कनेक्ट की है और ये आउटपुट की है, यानी कि ये मोटर वाली केबल है, ये वाली तीन RYB और ये इनपुट है। तो अब हम इसकी MCCB ऑन कर देते हैं, जो स्टार्टर में हमने MCCB लगाई है उसको ऑन कर देते हैं। तो MCCB हमने ऑन की, और अब हम तीनों फेज हमारे चेक कर लेते हैं टेस्ट रिग से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फेज आ रहे हैं तीनों। ये टेस्टर पता नहीं कैमरे में जलता दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, लेकिन तीनों फेज इधर प्रॉपर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब हम इसको, इसकी जो हमारी टू पोल की MCB लगा रखी कंट्रोल के लिए, वो वाली ऑन कर लेते हैं। ये ऑन किया, और अब हम स्टार्टर को ऑन कर देते हैं, इससे हमारी मोटर रनिंग हो जाएगी। ये अभी हमने रिले ट्रिप है, इसको रीसेट कर लेते हैं, हम यहाँ से चालू करेंगे। ये देखिए, बंद करेंगे तो बंद, रनिंग बंद, चालू। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी ड्यूल स्टार्टर की कंट्रोल और पावर वायरिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रिक गुरु। जय हिंद।